आज देश भर में राखी के त्योहार पर हर्षोल्लास देखने को मिला है। वहीं हल्द्वानी की जेल बंद भाइयों की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान बहनों ने जेल में बंद भाइयों के जल्द रिहा होने की कामना भी की। हल्द्वानी के जेल के बाहर करीब 500 से अधिक की संख्या में बहनें राखी लेकर पहुंची, जहां जेल प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए और खिड़कियों के माध्यम से भाइयों की मुलाकात करवाई। हल्द्वानी कारागार में रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांधने के लिए कुल 15 काउंटर बनाए गए, जिसमें बारी बारी से बहनें काउंटर पर जाकर खिड़कियों के माध्यम से भाई से मिली। कोविड नियमों को देखते हुए बहनों की उनके भाइयों के संग मुलाकात हुई, जिसमें बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर प्यार का धागा बांधा। आज सुबह 8 बजे से ही जेल परिसर में बहनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बहनें अपने साथ साथ राखी, कलावा, मिठाई का डब्बा लेकर पहुंची। रक्षाबंधन के इस पर्व पर जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा के कई इंतजाम किए, जिसमें बहनों द्वारा लाए गए गिफ्ट और मिठाई की जांच कर जेल में बंद उनके भाइयों तक पहुंचाया गया। अपराध और जुर्म के चलते भले ही बहनों के भाई आज जेल में बंद हैं, लेकिन प्यार के इस पर्व के दिन वो जेल में पहुंचकर इस पर्व को मना रहे हैं। जेल में बंद भाइयों के हाथ में राखी बांधने के लिए बहनों की बेताबी साफ देखी जा सकती है। बंधन के लिए कोविड है, ये सबको मालूम है, तो किसी को भी कारागार के अंदर नहीं लिया जा रहा, बल्कि ऑफिस की खिड़कियों से ही उनकी मुलाकात की व्यवस्था की गई है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं सर जी? बंदी के लिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मोस्टली लोग पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। 1652 बंदी निरुद्ध हैं, उन्हीं के परिजन लोग बाहर आए हुए हैं। तो सर सिस्टम कैसे बनाया बाहर? उनकी पर्ची बनवाई गई है और 15-15 के बैच बनाकर उनको 5-5, 7-7 मिनट मिलवाया जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए JJN News। नमस्कार।